बांग्ला फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री नुसरत जहां काफी समय से चर्चा का विषय बनी हुई है, कभी अपने पहनावे को लेकर, कभी राजनीतिक सफर और कभी पर्सनल लाइफ को लेकर। लेकिन इस समय अदाकारा के साथ लोकसभा सांसद नुसरत जहां अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी समय से सुर्खियां बटोर रही हैं। पति से अलग होने के बाद नुसरत का एक्टर यशदास गुप्ता के साथ रिलेशनशिप खबरों में काफी जोर पकड़ रहा था और फिर प्रेगनेंसी को लेकर नुसरत जहां सुर्खियों में आई। हाल ही में पिछले हफ्ते नुसरत जहां ने प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। इस समय हॉस्पिटल में भी यशदास गुप्ता नुसरत के साथ नजर आए। यहां तक कि बच्चे के जन्म की खबर भी यश ने ही कंफर्म की, लेकिन नुसरत और यश ने कभी भी अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बात नहीं की है। लेकिन अब नुसरत ने एक फैन मेड वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया है, जिसे देखकर कहा जा रहा है कि नुसरत ने अपने और यश के रिश्ते को सार्वजनिक करते हुए इस पर मोहर लगा दी है। नुसरत के शेयर किए इस वीडियो में उन्हें और यश के बेटे को जन्मदिन की बधाई दी गई है। फैन पेज से शेयर किए इस वीडियो के साथ लिखा गया, ईशान के जन्म के लिए यशरत को मुबारक। हमें अभी तक हमारे बेबी जान की एक भी झलक नहीं मिली है, इसलिए मैंने आप दोनों के लिए छोटा सा वीडियो मैसेज बनाया है। नुसरत के फैंस की तरफ से ईशान को खूब सारा प्यार। बता दें कि इसी साल जून में नुसरत जहां अपने पति निखिल जैन से अलगाव के कारण चर्चा में आ गई थी। तब नुसरत ने बिजनेसमैन निखिल जैन से अपनी शादी को मानने से ही इनकार कर दिया था। निखिल ने भी दावा किया था कि नुसरत 2020 से ही उनके पास नहीं रह रही हैं। कहा जा रहा है कि नुसरत पिछले साल से ही एक्टर यशदास गुप्ता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही हैं। निखिल और नुसरत ने साल 2019 में तुर्की में शादी की थी, जहां निखिल ने नुसरत के बेटे को अपना मानने से इनकार कर दिया है। वहीं नुसरत ने अभी तक अपने बच्चे के पिता का नाम का खुलासा नहीं किया है। निखिल जैन ने अपने बयान में यहां तक दावा किया कि उन्होंने इस शादी को बचाने की पूरी कोशिश की। वह और नुसरत जहां एक पति पत्नी की तरह साथ भी रहे, लेकिन बीते एक साल से नुसरत का अंदाज बदल गया। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए फिल्म की शूटिंग का हवाला दिया है और कहा कि 2020 में शूटिंग के दौरान ही नुसरत में यह बदलाव हुआ। गौरतलब है कि नुसरत ने यशदास गुप्ता के साथ फिल्म SOS कोलकाता में काम किया था। नुसरत और यश के बीच अफेयर की भी खूब चर्चा है। निखिल जैन का दावा है कि उन्होंने कई बार नुसरत से अपनी शादी को भारत में रजिस्टर करवाने की बात की, लेकिन नुसरत ने हर बार इनकार कर दिया। कुछ समय पहले नुसरत ने बयान जारी करते हुए कहा था और तुर्की मैरिज रेगुलेशन के मुताबिक शादी अमान्य है, यह दो अलग धर्म के लोगों के बीच हुई शादी है, इसलिए इसे भारत में वैधानिक मान्यता देने की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नुसरत ने कहा था कि यह शादी नहीं बस लिव इन रिलेशनशिप है। एक्ट्रेस ने आगे कहा, कानूनी तौर पर यह शादी वैलिड नहीं है बल्कि एक लिव इन रिलेशनशिप है, ऐसे में तलाक का सवाल ही नहीं उठता। हम बहुत पहले ही अलग हो गए थे, लेकिन मैंने इस पर बात नहीं की क्योंकि मैं प्राइवेट लाइफ को अपने तक ही सीमित रखना चाहती थी। कानून की नज़र में तो यह शादी बिल्कुल भी नहीं है। बता दें, नुसरत की 2019 में बिजनेसमैन निखिल जैन से शादी हुई थी। एक्ट्रेस ने अपनी शादी की वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जो काफी वायरल हुई थी। अब ऐसी चर्चा है कि नुसरत पॉपुलर एक्टर और बीजेपी के नेता यशदास गुप्ता के काफी करीब हैं। दोनों पिछले साल दिसंबर में राजस्थान की ट्रिप पर भी साथ गए थे।